नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर स्वागत है आप ही के चैनल ऑनलाइन आज में। दोस्तों, मैंने आप लोगों से कमिट किया था कि मैं आप लोगों को अबेकस की सीरीज चालू करूंगा। अबेकस को आप लोग सीखकर आप अपना सेंटर स्टेबलाइज कर सकते हैं और बहुत अच्छी अर्निंग आप कर सकते हैं। तो मैं आज आपके साथ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा और मैं आपको पूरी ट्रेनिंग दूंगा कि आप बच्चों को किस प्रकार पढ़ाएं। तो इससे पहले आप लोगों को अबेकस सीखना होगा, तो मैं स्टेप बाय स्टेप पूरी ट्यूटोरियल में आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। तो आप पूरे ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अबेकस आज मेट्रो सिटीज में क्या छोटे एरियाज में भी पॉपुलर होता जा रहा है और आजकल के स्कूल्स ने तो कंपलसरी चालू भी कर दिया है, क्योंकि अबेकस से बच्चों का ब्रांड डेवलपमेंट होता है, उनके मेमोरी, उनके फोटोग्राफिक मेमोरी है, उनका लिसनिंग पावर है, कैलकुलेटिव माइंड है, ये सारी चीजें बढ़ जाती हैं। बच्चे सेकंडों के अंदर भी कैलकुलेटर से फास्ट कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो आप मेरा पूरा वीडियो देखिए, आज ये वीडियो काफी लंबा होगा क्योंकि मैं आपको स्टार्टिंग में पहले तो अबेकस के किसको स्टार्ट करने के लिए कितना आप लोगों को सेटअप की रिक्वायरमेंट होगी, कितना आप इनकम करोगे, इसके अलावा आज मैं अबेकस का इंट्रोडक्शन दूंगा और आपको मैं आज से मेरा पूरा का पूरा ट्रेनिंग जो प्रोसेस है उसके बारे में बताऊंगा। और अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप डिस्क्रिप्शन में दे दीजिएगा, और अगर आपको लगता है कि मुझे मेरे पर्सनल नंबर चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में आप मेरे को एक बार मैसेज कर दीजिएगा, तो मैं आपको अपना मोबाइल नंबर भी आपको मैं दे दूंगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप मेरे से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सके। ठीक है दोस्तों, तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि अबेकस में आप लोगों को मिनिमम वन हॉल चाहिए, यानी आपको एक इतना स्पेस चाहिए जिससे कि आप लोग लगभग 15 से 20 स्टूडेंट की सिटिंग अरेंजमेंट कर सके। यानी आप लोगों को इतना फर्नीचर चाहिए ताकि 15 से 20 बच्चे को आप बैठा सके और उनको ट्रेनिंग दे सके, क्योंकि इसके अंदर आपको स्टॉल और टेबल की रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा आपको वन एक रूम चाहिए जिसमें ऑफिस के लिए, ताकि कोई भी इंक्वायरीज को हैंडल करने के लिए आपको एक अलग से प्लेस चाहिए, तो एक रूम भी बना सकते हैं, ऑफिस रूम, या पेरेंट्स भी वहां पर बैठ सकते हैं। इसके अलावा आपको एक व्हाइट बोर्ड, एक मास्टर बोर्ड और बच्चों के पास स्टूडेंट की किट होनी चाहिए। वो किट क्या क्या है वो मैं सारी चीजें बताऊंगा। और मास्टर अबेकस, इसको डिस्प्ले अबेकस भी कहते हैं, इस पर हम बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं। ठीक है जी, तो मैं आगे बता दूं आप लोगों को कि ये कोर्स कितना ड्यूरेशन का और कितनी आप फीस चार्ज कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो पूरा जो कोर्स है वो लेवल वाइज डिवाइड है, यानी टोटल पूरा कंप्लीट जो कोर्स है वो 8 लेवल का है और पर लेवल है वो 3 मंथ का होता है, यानी एक लेवल को हम लोग 3 मंथ में कंप्लीट करते हैं। आपको लगता है अपने एरिया के हिसाब से तो आप 2 महीने में भी कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन 3 महीने का हम लोग स्टैंडर्ड टाइम लेके चलते हैं कि 3 मंथ में एक लेवल कंप्लीट होगा और टोटल 8 लेवल्स हैं, तो इसका मतलब है कि 24 मंथ्स के अंदर आप कंप्लीट सिलेबस कर सकते हैं। और आप कितना चार्ज करोगे ये मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, तो एक तो आप लोग 1000 रुपीज आप एक रजिस्ट्रेशन फीस ले सकते हैं जो वन टाइम होगा, और इसके अलावा पर लेवल आप 1500 से 2000 रुपीज भी चार्ज कर सकते हैं। ये आपके लेवल के, आपके स्टेट के या आपके टाउन के एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। यानी आपका एक लेवल की फीस अगर आप 1500 रुपए भी लेते हैं तो आपको 500 रुपीज पर मंथ एक बच्चे का फीस पड़ता है और 1000 रुपए आप रजिस्ट्रेशन का फीस लोगे। ठीक है जी, तो आप अगर आपका एरिया बड़ा है तो आप उसको आप 2000 रुपीज भी या इससे भी ज्यादा ले सकते हैं। तो इस प्रकार आप 500 से 700 रुपीज तक आप लोग पर मंथ चार्ज कर सकते हैं, और एक बच्चा टोटल पर लेवल के अंदर अगर आप 2000 रुपीज लेते हैं तो 4 लेवल होते हैं एक साल के अंदर, यानी 8000 रुपीज आप पर ईयर एक बच्चे से ले सकते हैं। तो ये हमारा कोर्स स्ट्रक्चर है। ठीक है दोस्तों, तो आज मैं ट्यूटोरियल स्टार्ट कर रहा हूं, तो आप पूरा वीडियो देखिए, आज ये वीडियो लंबा होगा क्योंकि मैं आपको सीधा अपने मास्टर अबेकस पर और बोर्ड पर लेकर जाऊंगा, व्हाइट बोर्ड पर, जहां पर मैं आपको ट्रेनिंग दूंगा। और दोस्तों, फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट लिखे, और आपको लगता है कि मैं अपना मोबाइल नंबर मुझे मेंशन करना है तो आप कमेंट बॉक्स में बोल दीजिए, लिख दीजिएगा, मैं अपना मोबाइल नंबर भी दे दूंगा। लेकिन फिर भी दोस्तों, अगर आप, हाँ जी, फिर भी मैं आपको बता दे दूं, अगर आप लोग जो क्लासेज हैं वो क्लासेज आप वीकली क्लासेज रखते हैं हम लोग इसके अंदर, यानी आप लोगों को वीक में केवल 2 ही घंटे पढ़ाना होता है, डेली नहीं बुलाना होता, बच्चे डेली नहीं आते हैं। इसके अंदर आप केवल 2 घंटे की क्लास या तो संडे या सैटरडे रख सकते हो आप वीकेंड पर, ठीक है, वीकली क्लासेज, या आप 1-1 घंटे की क्लासेज आप 2 डेज भी रख सकते हैं, बच्चों को 2 बार बुला सकते हैं 1-1 घंटे की क्लासेज के लिए वीक में, या आप 2 घंटे की क्लास एक साथ भी रख सकते हैं। ठीक है जी,